today's lecture. Today we will discuss astronomical telescope in its normal adjustment. कल हमने astronomical telescope को पढ़ा in distinct vision adjustment, जहाँ पर जो final image थी that was formed at a least distance of distinct vision from the eye. Now, today we are going to discuss the same astronomical telescope but in normal adjustment. कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तब नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है जब भी यह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इमेज है वो बनाता है ये एट इंफिनिटी. सिमिलरली जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, हम कहेंगे कि दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्मड बाय इट इज एट इंफिनिटी, और वी कैन से व्हेन द फाइनल इमेज लाइज एट इंफिनिटी. When the final image formed by this astronomical telescope lies at infinity, in that case we say that this telescope is in its normal adjustment. Now here let us first discuss the working of astronomical telescope in normal adjustment. Working of astronomical telescope in normal adjustment. कैसे चलेंगे हम? सपोज ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. इन केस ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिस ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर. दिस आवर ऑब्जेक्टिव, लेट्स नेम दिस ओ. ये इसका बेटा ऑप्टिकल सेंटर है सी टू, दिस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर. इसका नाम रखेंगे हम सी वन, नॉट सी टू, सी वन. यहां पर हमारा आईपीस है, इट्स अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर. शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर. ऑब्जेक्टिव से थोड़ी छोटी है ये, दिस इज आवर आईपीस. लेट अस डिनोट दिस आईपीस बाय ई. ये इसका एपर्चर है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है. वी विल नेम इट्स ऑप्टिकल सेंटर एज सी टू. नाउ सपोज ए बी जो है, दिस इज अवर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से स्टार विच लाइज एट इंफिनिटी. ए बी जो है ये हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इट्स एट इंफिनिटी. अब हम क्या करेंगे, जो इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, we will allow this parallel beam of light to fall on the objective at a certain angle alpha. This is the parallel beam of light. Parallel beam of light coming from object AB which is at infinity. We will make this parallel beam of light coming from the object to fall on the objective at some angle alpha. ये ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, ये ऑब्जेक्टिव क्या काम करेगा, इट विल मेक द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए वन बी वन एट इट्स फोकस एफ नॉट. ये ए वन बी वन हमारी इमेज बन गई ऑब्जेक्ट ए बी की, एंड दिस इमेज इज फॉर्मड एट द फोकस एफ नॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव. इसका मतलब है यहां से यहां तक जो हमारी ये डिस्टेंस है, दिस इज एफ नॉट, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव. दिस इमेज ए वन बी वन, इट्स रियल इन्वर्टेड एंड डेमिनिशन विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट लाइंग एट इंफिनिटी. नाउ ये जो ए वन बी वन है, जो इमेज हमारे ऑब्जेक्टिव ने बनाई, दिस एक्ट्स एज इमेज, दिस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. It acts as object for eyepiece. इस eyepiece को हम ऐसे adjust करेंगे कि ये जो A1 V1 है, it lies at its focus FE. इसका मतलब है यहां पर जो objective और eyepiece का focus है, they coincide with each other. Now, A1 V1 जो है, it lies at the focus of the eyepiece. What's the eyepiece? It's a convex lens. When an object lies at the focus of the convex lens forms its image, virtual and erect image at infinity.
जब भी कन्वेक्स लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट लाई करता है तो कन्वेक्स लेंस उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है और मैग्निफाइड इमेज बनाता है। मगर वो इमेज कहां बनते हैं? वो इन्फिनिटी पे बनते हैं एज पर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। नाउ दिस ए वन बी वन इट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इस आईपीस को मैंने ऐसे एडजस्ट किया कि जो ये ऑब्जेक्ट ए वन बी वन है इसने लाई किया इस पर फोकस के पास। इसका मतलब है यहां पर जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस एफई। नाउ ये ए वन बी वन है जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे ऑफ लाइट आई, इट केम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द आईपीस, तो यहां पर इसका फोकस एफई है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है दैट पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, यहां हम लेंगे ऐसे इसको, ये हमारा ए वन है, दिस रे ऑफ लाइट कैसे आई है, इट पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द आईपीस, यहां से दिस इज इट्स फोकस एफ ई डैश। दूसरी रे जो आएगी दैट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब जो ये दोनों रेज है, दोनों रिफ्रैक्टिव रेज है, दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, मगर अगर मैं इनको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करूंगा दे विल मीट ईच अदर एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। इसका मतलब है जो फाइनल इमेज ए टू बी टू होगी दैट ए टू बी टू दैट विल लाई एट इंफिनिटी। Such type of adjustment in which the astronomical telescope forms the final image at infinity, that's called as normal adjustment of astronomical telescope. Ye jo final image A to B to hogi, jo infinity pe hogi, that will be virtual and erect with respect to A1, B1, but with respect to the object AB, that will be inverted. Iska matlab hai, yahan par bhi jo final image hoti hai, wo inverted hoti hai with respect to object. This final image which will be formed at infinity, this will be highly magnified. फिर से parallel beam of light object AB से आया जो infinity पे है, इसने इसको मैंने allow किया to fall on the objective at an angle of alpha. Objective ने क्या काम किया? इसने इस AB की real and inverted image बनाई कहाँ पर? अपने focus के पास. अब A1 B1 जो है it acts as object for the eyepiece. इस आईपीस को हमने ऐसे एडजस्ट किया कि जो ए वन बी वन है दैट लाइज एट इट्स फोकस। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट का फोकस और आईपीस का फोकस है दे कोइंसाइड विद ईच अदर। नाउ ए वन बी वन जो है इट इज एट द फोकस ऑफ द आईपीस, देयरफॉर द आईपीस फॉर्म्स इट्स वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज एट इंफिनिटी। जो फाइनल इमेज होगी दैट विल बी इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ए वन बी वन बट दैट विल बी इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ए बी। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स magnifying power, magnifying power of astronomical telescope. Suppose ये जो final image मेरी है ये infinity पे है, यहां पर infinity पे होगी मेरी final image। इस final image ने यहां पर जो eyepiece का optical center C2 है, suppose यहां पर इसने angle बनाया beta। क्या बनाया? एंगल क्या बनाया? बीटा। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है दैट लाइज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट को लगेगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो और आईपीस जो है दे आर दे कोइंसाइड विद ईच अदर। लिहाजा जो ऑब्जेक्ट एंगल ऑब्जेक्टिव पे बनाएगा इतना ही एंगल ये ऑब्जेक्टिव आईपीस पे बनाएगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। For object, it looks that these two lenses coincide with each other. Therefore, the angle made by the object at the objective will be same as the angle made by the object at the eyepiece. Now, magnifying power of astronomical telescope in its normal adjustment is defined as the angle made by the final image at the eye. What's that angle? Beta. It is defined as the ratio, actually it is defined as the ratio, ratio of the angle made by the final image, what is that angle? Beta at the eye.
when formed at infinity to the angle made by the object and the eye when the object also lies at infinity. हम ऐसे बताएंगे ratio of angle made at the eye by the final image formed at infinity to the angle made at the eye by the object lying at the infinity. What is the angle made by the final image? Final image is somewhere here. The angle is beta. What is the angle made by the object? That angle will be alpha. Because object for an object, object to an eyepiece look like to coincide with each other. Therefore, the angle made by the object at the object will be same as that made by it at the eyepiece. Therefore, we write magnifying power of this astronomical telescope in normal adjustment. This is equal to beta by alpha. Since alpha and beta, they are very small angles. Therefore, we can write beta is approximately equal to 10 beta. And alpha is approximately equal to 10 alpha. हम ऐसे लिखेंगे, magnifying power is equal to 10 beta divided by 10 alpha. We will call this equation number first. क्यों? क्योंकि alpha and beta they are small. Therefore, their tangents will be equal to the angles themselves. अब हम क्या करेंगे? अब हम 10 beta और 10 alpha का value निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? बच्चों यहां पर देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है A1 B1 C2 जो इसका एंगल A1 C2 B1 है दैट्स इक्वल टू बीटा. अगर हम इस ट्रायंगल में बीटा निकालेंगे वो होगा परपेंडिकुलर यानी A1 B1 डिवाइडेड बाय बेस. व्हाट इज योर बेस? बेस इज C2 B1. ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल A1 B1 and C2 हमारा जो बेटा 10 बीटा है दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर A1 B1 डिवाइडेड बाय बेस. बेस जो है दैट इज C2 B1. तो निकाला मैंने 10 बीटा का वैल्यू. सिमिलरली ये एंगल अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब हम ट्रायंगल लेंगे A1 B1 C1, इसमें हम 10 अल्फा निकाल सकते हैं, वो होगा परपेंडिकुलर A1 B1 डिवाइडेड बाय C1 B1. हम लिखेंगे सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल A1 B1 C1 वी हैव 10 अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो है A1 B1 डिवाइडेड बाय बेस, वो आपका है C1 B1. अब हम 10 अल्फा और 10 बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो व्हाट वी गेट? We get magnifying power is equal to 10 beta के बदले क्या लिखेंगे बेटा? A1 B1 divided by C2 B1 whole divided by A1 B1 divided by C1 B1. यह हमें ऐसे मिलेगा magnifying power is equal to A1 B1 divided by C2 B1 into इसका तो reciprocal हो जाएगा C1 B1 into A1 B1 cancels. तो आप लोगों को जो magnifying power है, magnifying power निकलेगा बेटा आपको किसके बराबर? ये निकलेगा C1 B1 divided by C2 B1. Let me call this equation number 7. ये निकला मुझे magnifying power के लिए C1 B1 divided by C2 B2. Now, यहां पर क्या काम करेंगे बेटा हम? We will apply sign conventions. Now, as per sign convention, बेटा जो हमारा C1B1 है, that is equal to F0. चूंकि B1 जो है, it lies at the focus of the objective. Therefore, C1B1 will be equal to the focal length of the objective. Here, C1B1 is equal to F0. अब अगर हम C2B1 निकालेंगे, that is the object distance. Since it is placed at the object, lies at the focus FE of the eyepiece, therefore this C2B1, this will be equal to minus times FE. We are measuring the distance against the direction of incident light. तो आपका C2B1 जो है, that is equal to minus times FE.
Let us put the value of C1 B1 and C2 B2 in equation number second. When we put the value in equation number second, we get magnifying power is equal to C1 B1 ke badle F0 divided by C2 B1 ke liye minus times Fe. हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफई. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन इट्स नॉर्मल एडजस्टमेंट. नेगेटिव साइन जो है यहां पर इट शोज दैट द फाइनल इमेज विच इज फॉर्मड एट इंफिनिटी इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट दैट इज इनवर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. नंबर सेकंड, this magnifying power will be larger if the focal length of objective is greater than the focal length of eyepiece. It is because of this, in case of astronomical telescope, we are taking objective of larger focal length, because by that we will get high magnifying power. This completes astronomical telescope. Now let us discuss terrestrial telescope. Terrestrial telescope जो है, it's an optical instrument used for seeing the erect images of objects lying on the earth. Earth पे हमारे पास दूर वाले objects हैं, उनकी erect images हम एक telescope से देखते हैं, उस telescope का हम नाम देते हैं terrestrial telescope. So terrestrial telescope is used for seeing the erect images of objects, far off objects lying on the earth. अब हम इसकी construction देखते हैं. इस terrestrial telescope में बेटा हमारे पास तीन convex lenses होते हैं. For example, this is the convex lens number one. इसके बाद हमारे पास एक और छोटी कन्वेक्स लेंस होती है, और इसके बाद हमारे पास एक और इससे बड़ी कन्वेक्स लेंस होती है. दीज थ्री लेंसेज दे आर प्लेस्ड कोएक्शियली. इट मींस दीज थ्री लेंसेज हैव द सेम प्रिंसिपल एक्सिस. जो लेंस हम ऑब्जेक्ट की तरफ रखेंगे दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. से दिस इज ऑब्जेक्टिव. और जो लेंस हम ऑब्जर्वर की आई की तरफ रखेंगे दैट्स कॉल्ड एज आईपीस. दैट्स कॉल्ड एज आईपीस. दिस इज आईपीस. दिस इज आईपीस. नाउ जो ये आईपीस और ऑब्जेक्ट के दरमियान लेंस है, इस लेंस को हम कहते हैं फील्ड लेंस. दिस इज कॉल्ड फील्ड लेंस और इरेक्टिंग लेंस. दिस इज कॉल्ड फील्ड लेंस और इरेक्टिंग लेंस. ये जो फील्ड लेंस और इरेक्टिंग लेंस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव या आईपीस के फोकस से कितना दूर रखेंगे at a distance equal to twice its focal length. इस erecting lens को हम objective के focus से या eyepiece के focus से कितना दूर रखते हैं, equal to twice its focal length. इस field lens का क्या काम है यहां पर, it forms the erect image. यानी ऑब्जेक्टिव जो है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उस इन्वर्टेड इमेज को बाद में इरेक्ट करता है. कौन सी लेंस? इरेक्टिंग लेंस. सो हियर वी हैव थ्री लेंसेज, ऑब्जेक्टिव, आईपीस एंड इरेक्टिंग लेंस और फील्ड लेंस. दिस इरेक्टिंग लेंस और फील्ड लेंस, इट लाइज इन बिटवीन द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ फ्रॉम द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ आईपीस. This erecting lens, it forms the erect image of what? It forms the erect image of the image which is formed by the objective. यानी objective ने जो image बनाई, उस image की फिर erect image कौन बनाता है? Erecting lens. Now let us study its working. Suppose बच्चों,
AB जो है, this is our distant object lying on the earth at infinity. AB is the distant object lying at infinity. Now, AB से जो parallel beam of light आता है, this parallel beam of light is made to pass, this parallel beam of light is made to fall, is made to fall on objective O at an angle of alpha. जो distant object से, distant object है, उससे जो parallel beam of light आता है, we make this parallel beam of light to fall on the objective at some angle alpha. अब objective क्या काम करता है? Objective इस object की real, inverted और diminished image बनाता है, उसका मैं नाम रखूंगा A1B1 at its focus. ऑब्जेक्ट ने क्या काम किया? इसने ऑब्जेक्ट ए बी की रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिशड इमेज बनाई. कहां पर? अपने फोकस के पास. नाउ दिस इमेज ए वन बी वन, दिस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द इरेक्टिंग लेंस. इरेक्टिंग लेंस क्या काम करेगा? वो इस ऑब्जेक्ट की, वो इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनाएगा. इरेक्टिंग लेंस क्या काम करेगा? देखो क्या काम करेगा. एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट ए वन बी वन से आई, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये यहां से चली गई, दूसरी रे ऑफ लाइट ये ऑप्टिकल सेंटर से आ गई. Now they will intersect each other, say here this point, we will call this point as A2. Therefore this A2 B2 is the real, is the real and inverted image of A1 B1. This is the real and inverted image of A1 B1 and of same size. Jo A1 B1 hai, A1 B1 jo hai, it acts as object फॉर द इरेक्टिंग लेंस, फॉर द फील्ड लेंस. फील्ड लेंस क्या काम करता है? वो इसकी रियल, ऊपर वाले साइड में रियल, इन्वर्टेड, चूंकि ए वन बी वन नीचे की तरफ है, ए टू बी टू ऊपर की तरफ है, विच फॉर्म्स इट्स रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज इमेज ए टू बी टू. इसका मतलब है जो ये इमेज ए टू बी टू है, इट्स ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ए वन बी वन. इसका मतलब है जो हमारी फील्ड लेंस है, इसने कोई मैग्निफिकेशन नहीं की, बिकॉज इट फॉर्म्स द इमेज विच हैज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ दिस ए टू बी टू जो है, दिस एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस. ये बनता क्या? ऑब्जेक्ट किसके लिए? आईपीस के लिए. जिस आईपीस को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो A2 B2 है वो लाई करता है इसके फोकस पे. जब भी कन्वेक्स लेंस के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है, वो कन्वेक्स लेंस उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है. कहां पर? इन्फिनिटी पे. ये आई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू इट्स फोकस. यहां से सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है, दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. चूंकि दो रिफ्रैक्टेड रेज जो है उन्होंने आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया, वी विल प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स, दे विल मीट ईच अदर एट इन्फिनिटी. इसका मतलब है फाइनल इमेज जो होगी, फाइनल इमेज बनेगी कहां पर? इन्फिनिटी पे. जो फाइनल इमेज होगी दैट विल बी इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड. इसका मतलब है जो फाइनल इमेज होगी वो होगी इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ए बी. इसीलिए इस टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज होती है वो होती है इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. एक बार फिर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आया, इसको मैंने फॉल, आई हैव अलाउड इट टू फॉल ऑन द ऑब्जेक्टिव एट एन एंगल अल्फा. ऑब्जेक्टिव ने क्या काम किया? इसने इसकी डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाई. कहां पर? अपने फोकस पे. जो ए वन बी वन है, दैट एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द इरेक्टिंग लेंस. इरेक्टिंग लेंस ने क्या काम किया? इसकी इन्वर्टेड इमेज बनाई ए टू बी टू, ए टू बी टू एंड ऑफ द सेम साइज.
दिस ए टू बी टू जो है ये है इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ए वन बी वन, बट इट इज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो यहां पर जो काम है इरेक्टिंग लेंस का, इसका काम है कि जो इमेज है उसको इसने इरेक्ट किया, इरेक्ट बनाया। अब ये इमेज ए टू बी टू जो है ये इसकी क्या बन गई, इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। इसको हमने ऐसे एडजस्ट किया कि जो ए टू बी टू है इसने इसके फोकस पे लाई किया, जो जब इसने इसके फोकस पे लाई किया तो फाइनल इमेज जो होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, एंड दैट विल बी हाईली मैग्निफाइड। दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस डेरिस्टाइल टेलीस्कोप। क्योंकि फील्ड लेंस जो है इसने कोई मैग्निफिकेशन नहीं प्रोड्यूस की, बिकॉज इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए वन बी वन। देयरफॉर जो इस डेरिस्टाइल टेलीस्कोप है इसका जो मैग्निफाइंग पावर होगा वो होगा सेम एज दैट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसे मैग्निफाइंग पावर इसका इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट वो होगा सिंपली एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई इनटू वन प्लस एफ ई बाय डी। इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यहां पर मुझे माइनस साइन था क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड थी। इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप माइनस साइन नहीं है क्योंकि फाइनल इमेज जो है वो है इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। दिस इज द केस व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर सेकंड, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इन्फिनिटी यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होगा इस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का दैट विल बी इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। This is the magnifying power of terrestrial telescope in case of normal adjustment, and this is the magnifying power of terrestrial telescope in case of distribution adjustment. My dear students, this completes your optics. Be happy, we have completed a big chapter of the optics. I hope that you have enjoyed these videos. Inshallah, inshallah, we will overcome this pandemic. We will be back into the school